सलामकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम उसामा हनीफ है। उसामा, क्या करते हैं? मैं CS का स्टूडेंट हूँ। CS का, कैसे जा रही है स्टडीज? बस फर्स्ट सेमेस्टर है और फ्रेशर था, सेकंड डे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेहतरीन है। रैकिंग वगैरह हुई? रैकिंग यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, 40,000 उन्होंने पहले दिन कह दिया था कि आप लोगों को फाइन होगा, तो बचे हैं अभी तक इसीलिए। फाइन का कहते तो डर जाते बच्चे? नहीं, डरते तो नहीं है, स्टूडेंट डरने वाले होते ही नहीं है, जो स्टूडेंट डर जाए वो स्टूडेंट ही नहीं है फिर, बस वो वैसे ही नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं, सानिया मिर्जा और शुएब मलिक की डाइवोर्स की जो एक अफवाह फैली हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, इसके बारे में क्या जानते हैं? वो तो एक पब्लिसिटी स्टंट था, ठीक है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ दी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया, और आज अब ये हम लोगों को प्रूफ भी हो गया, उन्होंने एक पोस्ट की है जिसमें वो शो साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है डाइवोर्स की खबर ऑफिशियली तो उन्होंने अनाउंस नहीं की, और अगर नहीं की और साथ शो भी करें तो इसका मतलब यही है कि वो साथ हैं अभी तक। मतलब पब्लिसिटी स्टंट है, तो व्हाट डू यू थिंक, ऐसे पब्लिसिटी स्टंट होने चाहिए हमारे मुआशरे में? तलाक एक बुरी चीज़ समझी जाती है, ना सिर्फ हमारे मुआशरे में, सेपरेशन डाइवोर्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बुरा समझा जाता है, तो ये अपने फैंस के इमोशंस के साथ खेलना है या नहीं? नहीं, अब ये हम तो नहीं कह सकते कि उन्होंने ऑफिशियली अपनी ये न्यूज़ ब्रेक की है, या हो सकता है कि किसी ने फैंस में से किसी ने की हो, अब उनकी तरफ से तो ऐसा कोई भी नहीं आया, और उन्होंने चीज़ को क्लियर भी शायद इसलिए नहीं किया कि वो पब्लिसिटी स्टंट चाहते थे, और ये एक नेगेटिव इमेज है, बैड इमेज है ये शायद उन लोगों के लिए जिनको भी पता भी नहीं है इस चीज़ का कि यार ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होता है या करना चाहिए, और शायद अभी मोस्टली लोग ये थे जिनको इस बारे में नहीं पता था, तो अब अगर ये इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करके इनका ये जो सीन था, तो अब उनको भी इंटरेस्ट लेंगे, वो भी इस सोचेंगे इस बारे में ये क्या चीज़ थी, तो मेरे ख्याल से ये उन लोगों को भी पता चल गया जिनको नहीं पता था, और ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव बैड इमेज है हमारे लिए भी है, और वैसे भी एक हमारा माशरा इस्लामी कंट्री है उसके अंदर ये चीज़ें अवॉइड ही करनी चाहिए, ऐसे पब्लिसिटी स्टंट से अवॉइड करनी चाहिए, कोई टीवी चैनल्स को या फिर लोगों को जो ये ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही कहूँगा कि पहले कर्जा बहुत ज़्यादा है मुल्क के ऊपर, तो उस बारे में सोचें कैसे उतरेगा, और गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करके ना लोगों को ये सोच डाइवर्ट करें, लोग बहुत परेशान हैं ऑलरेडी।